लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन्थ ऑफ एक्सरसाइज फोर ई दैट इज कोटरेटिक्वेसन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन्थ इज द सम ऑफ द रेसीप्रोकल्स ऑफ मीनाज ऐज वो कह रहे सम होना चाहिए किसका रेसीप्रोकल ऑफ मीनाज एज इन ईयर्स में मीना की एज का रेसीप्रोकल होना चाहिए थ्री ईयर्स एगो तीन साल पहले एंड फाइव ईयर्स हैंस फाइव ईयर्स आगे की ऐज का मतलब वो कह रहा है थ्री ईयर्स एगो की एज का और फाइव ईयर्स हैंस आगे की एज का रेसिप्रोकल होना चाहिए जो कि कितना आएगा वन अपॉन थ्री फाइंड हर प्रेजेंट एज और उसकी हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो हम क्या कहेंगे मीना की एज का लेट लेट मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज ऑफ मीना इज़ एक्स मान ली अब वो कह रहे थ्री ईयर्स एगो तो थ्री ईयर्स एगो तीन साल पहले अगर आज मीना की एज एक्स है तो तीन साल पहले क्या होगी आज अगर एज हमारी 15 इयर्स है तो तीन साल पहले क्या होगी 15 में से 3 माइनस कर देंगे इसलिए आज अगर मीना की एज x है तो तीन साल पहले क्या हुई होगी x में से 3 माइनस कर देंगे तो मीना एज वाज मीना एज वाज x 3 हुई होगी और 5 इयर्स हेंस भी बोल रहा है यहाँ पे तो फाइव ईयर मींस आज अगर एक्स है तो आगे आने वाले पांच साल बाद मीना की एज क्या होगी तो फाइव ईयर हेंस का मतलब आने वाले टाइम में तो मीना की एज आज की एज में पांच साल जुड़ जाएगी तो मीनाज एज विल बी एक्स प्लस फाइव हो जाएगी राइट right? अब वो कह रहे हैं इन एज ये जो थ्री इयर्स एगो और फाइव इयर्स हैंस आई हैं उसकी एज का रेसिप्रोकल हो जाएगा और उनका सम तो x माइनस थ्री रेसीप्रोकल मीन्स अगर x है तो रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस सम कह रहा है वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इसका दोनों की रेसिप्रोकल करके सम आ रहा है वन अपॉन थ्री तो उसकी प्रेजेंटेज निकालनी है मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे देखिए एल लेंगे ये आया x माइनस थ्री और x प्लस फाइव अब इस x प्लस फाइव की मल्टीप्लीकेशन इस वन में और x माइनस थ्री की मल्टीप्लीकेशन इस वन में तो यह आ गया x प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू तो वन अपॉन थ्री अब देखिए क्या आया टू एक्स प्लस फाइव में से थ्री किया टू अपॉन इस x की मल्टीप्लाई x प्लस फाइव में माइनस थ्री की x प्लस फाइव में तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री तो ये कितना आ गया टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री ये आ गया तो ये कितना आ गया टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या आएगा थ्री की मल्टीप्लीकेशन टू एक्स प्लस टू में और वन की मल्टीप्लीकेशन है देखिए यहाँ वन है तो ये एज इट इज आ जाएगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये आया सिक्स एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड ले आऊँगी तो ये आ गया ज़ीरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स सिक्स एक्स लेफ्ट साइड से गया है तो माइनस का हो जाएगा माइनस फिफ्टीन और सिक्स हमारा लेफ्ट साइड से गया है तो माइनस का हो जाएगा ये आ गया अब इसको क्या लिख सकते हैं एक्स ये देखिए दोनों साइन के हैं तो आपस में सब हो जाएंगे साइन बड़े वाले का लग जाएगा तो माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जीरो अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ गया माइनस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके फोर एक्स आए तो सेवन एक्स और थ्री एक्स हो गया अब हमें मिड टर्म में वैल्यू माइनस की चाहिए तो बड़ा वाला माइनस का सब्ट्रैक्ट होना है तो दोनों अपोजिट साइन में होंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जीरो अब एक्स कॉमन लिया तो क्या आया एक्स माइनस सेवन और प्लस थ्री कॉमन आया तो x माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो तो x माइनस सेवन कॉमन निकल गया है तो क्या बच गया x प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो अब x की वैल्यू निकाली x की वैल्यू कितनी आ गई एक तो सेवन आ गई और x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस थ्री एज माइनस में तो हो नहीं सकती तो ये तो कैंसिल हो जाएगी तो आज की एज प्रेजेंट एज क्या है मीना की प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज सेवन ईयर्स इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ द एज ऑफ अ बॉय एंड एज ब्रदर इज ट्वेंटी फाइव ईयर्स दो एक लड़के की और उसके भाई की एज का सम है

तो ब्रदर की एज क्या आई देखिए ब्रदर एज अगर इसको टू वेरिएबल में करेंगे तो वाई ले लेंगे राइट right? हमने वाई लिया तो लेकिन वो क्या कह रहा है दोनों की एज का सम 25 इयर्स है और दोनों की एज का प्रोडक्ट हमारा है वन ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ये कह रहा है तो हम या तो x और y लेके उसको वन वेरिएबल में कर लें या आप यहीं से निकाल सकते हैं देखिए अगर x है बॉय की एज तो ब्रदर की एज क्या आई देखिए ब्रदर की एज क्या आएगी ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स तो यहाँ पे आप ट्वेंटी फाइव वाई की जगह ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स भी लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं आप लेट द बॉय एज बी एक्स एंड द ब्रदर एज विल बी ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स ये जो स्टेप कर रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ अब इनकी एज का प्रोडक्ट दैट मीन्स y की जगह हमें क्या लिखना है ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स प्रोडक्ट हो गया हमारा वन ट्वेंटी सिक्स ये आ गया अब इसको ओपन कर लेंगे ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसवल टू 126. अब हम एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो हम उधर ले गए एक्स स्क्वायर माइनस का 25x हो गया प्लस 126 ट्वेंटी सिक्स जीरो इक्वल्स टू राइट अब 126 ट्वेंटी सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर एस वन ट्वेंटी इसके ऐसे दो पार्ट्स की प्लस माइनस करके माइनस का कर 25 है तो 126 के फैक्टर्स निकाले टू सिक्स 12 ट्वेल्व टू थ्री इज़ा सिक्स थ्री टू जिक्स थ्री वन ज थ्री अगेन थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन तो क्या आएंगे फैक्टर्स की प्लस माइनस करके ट्वेंटी फाइव आए थ्री थ्री 9 नाइन नाइन टू ज़र एटीन एंड सेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव अगर हम एटीन और सेवन को ऐड करते हैं तो ट्वेंटी फाइव आता है तो हमने फैक्टर्स निकाले 18x और 7x दोनों माइनस के करेंगे क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस दे रखा है और हमें इन दोनों को ऐड करना है तो सेम साइन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस वन ट्वेंटी सिक्स इक्वल्स टू जीरो अब एक्स कॉमन लिया तो क्या आ गया एक्स माइनस एटीन और माइनस सेवन कॉमन लिया तो भी क्या गया एक्स माइनस एटीन इक्वल्स टू ज़ीरो और हमारा क्या हो गए फैक्टर्स फिर एक्स माइनस एटीन और एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी एक्स माइनस एटीन इक्वल्स टू जीरो रखा तो एक्स आ गया एटीन इसी तरीके से एक्स माइनस सेवन को जीरो के इक्वल रखा तो एक्स आ गया हमारा सेवन तो हमारा अगर बॉय की एज बॉय एज है हमारी एटीन तो ब्रदर कितने एज का होगा ब्रदर एज विल बी ब्रदर एज क्या होगी हमारी ट्वेंटी फाइव बैठ रही थी दोनों की तो ट्वेंटी फाइव में से एटीन गया ट इज सेवन ईयर्स राइट ईयर्स लिख देते हैं और अगर बॉय की एज हमारी बॉय की एज सेवन ईयर्स है तो ब्रदर की एज कितनी होगी हमारे ब्रदर एज विल भी ट्वेंटी फाइव में से हम सेवन माइनस कर देंगे देन इट विल भी एटीन ईयर्स तो इसका मतलब क्या हुआ अगर बॉय एटीन ईयर्स का है तो ब्रदर सेवन ईयर्स का होगा और अगर बॉय सेवन ईयर्स का है तो ब्रदर एटीन ईयर्स का होगा आंसर